संसार दे अंदर संत महात्मा मालिक दे प्यारे कोई ना समाज बनाउण वास्ते आउंदे है ना किसे दी बनी पहली तोड़दे हन। ओ सानू गफलत दी नींद अंदर सुत्तिआं नू जगाउण वास्ते आउंदे है। हर एक संत महात्मा ने सानू आके काल और दयाल दा भेद दस्या कि जिस दुनिया विच असी बैठे हैं त्रिलोकी तक काल दा राज है, काल ही इस नू बनाउण वाला है और काल ही इस नू बख्श करन वाला है। लेकिन महात्मा चले जाते हैं, जिन्हां दी किस्मत हुंदी है वो आके इस भेद नू समझ लैंदे है। बाकी असी जिथे बैठे हुंने हैं उत्थे ही बह रह जाने हैं। हालांकि गुरु ग्रंथ दे विच काल और दयाल दा भेद वध तो वध खोल के साडे गुरु साहिबाना ने लिखिया कि काल की ताकत है। गुरु नानक ने कहा, खंड पताल दीप सब लोआ काले वस आ प्रभ किया। खंड पताल दीप वगैरह रच के इहदा इंतजाम करन वास्ते काल नूं सौंप दिता। तेहां गुणा ते रहे नरारा सो गुरमुख सोभा पाएंदा। ओ परमात्मा आप सचखंड दे विच बैठा है। ओम तक परलों दे विच सृष्टि ठह जांदी है। जिहड़े जीव हेठले मंडलां दे विच हुंदे है वो सारे ही इस संसार विच फिर आके जम्मण मरण दे चक्कर विच पैंदे है और पवर गुफा तक महापरलों दे विच मंडल समाप्त हो जांदे है, ढह जांदे हन। महापरलों दे विच जितने भी जीव उत्थे पहुंचे हुंदे है वो सब फिर संसार विच आउंदे है। लेकिन महात्मा जो हन वो परमात्मा दे भेजे इस संसार दे विच आउंदे हन। वो सचखंड दे विच आउंदे है, गुरु पद दे विच आउंदे है। सुखमनी साहिब विच गुरु अर्जन देव ने शुरू च कहा कि आद गुर ए नमहे, उही परमात्मा दे तार के शब्द रूप संसार विच साडे दरम्यान आके रहिंदा है। वो कुदरत दे निजमां मुताबक ही अपना जीण जींदा है। एक नमूने दे तौर ते वो संसार विच आके दसदा है, जीवन जुगती दसदा है कि किस तरह संसार विच रहना है। इंसान दा जामा किड्डा कीमती है, ये परमात्मा ने सानू क्यों दिता, कादे वास्ते दिता है, असी की करना है। और वो महात्मा ये भी गुत्थी खोलण की कोशिश करते हैं कि इस जन्म तो पहला असी किस जगह किस जून विच सें, इत्थे सानू की करना चाहिए है, अगे असी कित्थे जाना है। उस जगह नूं भी असी अपने जीवन काल के अंदर ही देखना है। महात्मा सानू अंधविश्वास नहीं दिंदे गे, वो कहिंदे आओ करो और अपना बेड़ा पार करो। किसे दे उत्ते महात्मा बोझा बन के नहीं आउंदे गे। तुसी सारे महात्मा दी जीवनी पढ़ के देख लो। महात्मा अगर गरीबी घर दे विच पैदा होए जिस तरह रविदास और कबीर साहिब सन, उन्होंने ताणा तुणिया जुत्तियां गठियां। हालांकि राजे महाराजे लोग उन्हां दे सेवक सन, केड़ी केड़ी सहूलत उन्हां नूं दे नहीं सकते सन। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। इस तरह जदों शाह बल्ख बखारे नूं शौक उठिया परमारथ दा और उसने कबीर साहिब दा हिंदुस्तान दे अंदर आके 12 साल ताणा उणिया कि परमारथ दा शौक सी। कबीर साहिब ने पुछया तू कौन है, कहिंदा मैं शाह बल्ख बखारा हैं।
वो कहता देख ली मैं तो एक गरीब जुलाहा है, तू शाह है बखारे का, तेरा मेरा किस तरह निर्वाह होएगा। वो कह लग्या जो भी रुखा सुखा देंगे मैं वो खा लूंगा, जो कम कहोगे मैं वो कर लूंगा, क्योंकि प्यार के अंदर कोई बोझा नहीं हुंदा गा। वो बादशाह छड़ के उन्हें कहा मैं बादशाह बन के नहीं आया, मैं भिखारी बन के आया है। इस तरह जब सुती आत्मा टीपे दी जागी, वो राजपूत राजा सी, घर दे अंदर देवी का मंदिर बनाया हुआ सी, श्रद्धा प्यार दे नाल उसनू पूजदा सी, स्वर्ण की मूर्ति भी अंदर रखी हुई सी। लेकिन सानू पता है कि जब बारिश होनी हुंदी है आसमान विच बदल हो जाते हैं, उस मूर्ति विचों आवाज आनी शुरू हुई, सिर्फ वो पीपे के कन्ना च ही पैंदी सी कि पूरा गुरु ढूंढ निकाल खल निकाल देवेगा, कोई पत्थर या लक्कड़ किसी की मदद नहीं कर सकता गा। महात्मा सानू दसते है नशहरे के अंदर जलन जट बड़ी कमाई वाला होया है, वो कह लग्या कि माला लक्कड़ ठाकर पत्थर तीर्थ सबो पानी राम नाम बिन सबे वेद कहानी। कहिंदे वो नाम तो बगैर थोड़ा जिहड़ा है वह कहानियां ही हैं, जब तक नाम प्राप्त नहीं कर देगे तुसीं किसनूं जाके मिलोंगे, तुहानूं तां इह नहीं पता कि नाम लफज है या नाम कोई ताकत है या नाम किसनूं कहिंदे है। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है गुप्ता नाम वरतै विच कलयुग घट घट हर भरपूर है। वो गुप्त नाम की डोरी परमात्मा ने हर एक दे अंदर रखी हुई है, लमकाई हुई है, लेकिन सानू पता नहीं, असी मूँह दे विच बुरकी पाउने हैं, हालांकि साडा अपना जिसम है, सानू ये नहीं पता कि मूँह दे अंदर पाई ग्राही सज्जे पासे जांदी है खब्बे पासे जांदी है। जब सानू इन्ना ही ज्ञान नहीं, सानू डोरी का की ज्ञान हो सकता है। वो डोरी की जो चाबी है गुरु नानक साहब कहिंदे है कि वो परमात्मा ने गुरमुखां दे हवाले की हुई है, उन्हें खुद ही ये जिसम बनाया, जिसका ग्रह तिस दिया ताला। ये ताला ना तो गुरु नानक ने आप लाया, ना कबीर ने, ना साडे सतगुरु महाराज ने ये ताले नू लाया। एक कुदरत कानून के मुताबिक ही जिस परमात्मा ने यह घाड़त कड़ी है उसने ये ताला लाया। कुंजी गुर सौ पाई, कुंजी वो महात्मा के हवाले कर दिती। कुंजी वाले महात्मा सदा ही संसार के अंदर आते रहे हैं, वो किसी खास जाति या मुल्क वास्ते नहीं आते गए। ये एक सच्चाई है, जब संत आते हैं हर कौम का आदमी बगैर किसी झिझक तो उन्हां तो फायदा उठा लैंदा है। महात्मा कोई अपने नाम की फीस नहीं रखते गए, बल्कि वो दात जो परमात्मा ने उन्होंने दिती है उसनों मुफ्त बांटते आके। जिस तरह कुदरत सानू पौन पानी गर्मी वगैरह धुप वगैरह मुफ्त दिंदी है, इस तरह वह भी अपनी तलीम मुफ्त देंदे हैं। लेकिन अगे साढ़े भाग है, इस तरह ही वो राजे पीपे नूं आवाज आया करे, पूरे गुरु की तलाश हुई, अहलकारां नूं सद्या भी प्यारे हो कोई संसार दे अंदर ऐसा महात्मा है जो मैनू अंदर जाण दा साधन और तरीका समझा दे, दे वो सच्चे नाम नूं मिला दे, दे। वो कहण लगे कबीर साहब होर भी कई महात्मा जिहड़े संसार विच सन वो चले गए है, इस वेले रविदास है, वो तुहाडी सुरत नूं शब्द दे नाल जोड़ सकता है, वो महात्मा पूरे है। हुण आला पात्र सी राजा, दिल च शौक सी, हुण मन जिहड़ा है ये काल का एजेंट है, मन कोई भी मौका हाथ चों नहीं जाण दिंदा गा। संत सानू दसदे आ साडा दुनिया च कोई दुश्मन नहीं गा, साडा दुश्मन साडे अंदर बैठा है। मन दे कई असी रिश्ते और नाते करते हैं, मन दे कहे ही मजहब सोसाइटियां कबूल करते हैं, मन दे कहे असी लड़ाई और झगड़े पैदा करते हैं। असी दुनियादारा ने इस मन नू ही अपना खसम खसाई गुरु पीर समझ रखिया है, ये भेद भी संती आके चुकते हैं।
हुण जद राजा पीपा जाण दी तैयारी करन लग्या, दिल च ख्याल आया कि मता रिजत ना विगड़ जाए, मैं राजपूत हाँ और उच्च मार जाति दे विच है, किते इह कहण लोक भी एडी उच्ची जाति वाला एक नीवी जाति वाले कोले जांदा है। उस दिन गंगा का कुरब लग्या सी, दिल च ख्याल आया कि बड़ा अच्छा मौका है, पबलिक का ध्यान उस पासे लग्या है, क्यों ना जाया जावे। गया अगे रविदास जी कुन दे विच पानी टिंड दे नाल पा रहे सी, दिल च ख्याल आया, दया उठी उस समुंदर दे विचों रहमत दे विचों के राजा बुक कर, ख्याल आया कि राजा होके मेरे यह बूहे ते आया है, मैं इनू कुछ देवा। तो कह लगे बुक कर, हुण असी दुनियादार की समझ सकते हैं संतां दे राज नूं, वी इह की मैनू दे रहा है। हुण दिल च ख्याल आया कि यह चम वाला पानी है जिहड़ा मैनू पिउंदा है, किते मैं चमार ही ना बन जावां, क्योंकि मन ने उत्थे भी साथ ना छड्डिया। खुलियां बाहां वाला कमीज सीगा थले दी वगा दिता, अगे घुट ना जान दिती, दाग पै गए कमीज दे उत्ते। घर आया, धोबी नूं बुलाया, कहण लग्या देख बई खड़े घाट दे अंदर इसनूं धो के लियाई, ऐसा ना होए अगर जे तू वगदे पानी विच धो दिता, अगे जितने पानी पीणगे किते उह भी चमार बन जाण। आखिर धोबी इस तरह करदे आ, जद कपड़े धोंदे आ उदों दाग उहदे मूँह नाल चूस लैंदे है। लेकिन उहने लड़की सी, लड़की जिहड़ी नाबालिग सी, उस बेचारी नूं पता नहीं सी कि इह दाग नूं थले थुकना है। वो भोले भाय दे विच उस थुक नूं आपदे अंदर लंघाउंदी रही। तो हुण परम संतां दी दृष्टि पई हुई सी, इह उही जाणदा सीगा। और जदों लड़की जिवें जिवें उह पाणी अंदर लंघाउण लगी, पर्दे खुलदे गए, ज्ञान ध्यान दीआं गल्लां करन लगी। तुहानूं पता ही है कि अतर वाला बेशक ना वेचे, फिर भी किते ना किते ढक्कण उसदा खुला रह जांदा है। पड़ोस खबर होई, होर आसे पासे खबर होई, लोग आउण जाण लगे। राजे दे कन्नी गल पई कि धोबियां दे घरे लड़की है, तो बड़ी ही एक महात्मा लड़की है, क्यों ना उस तों फायदा उठाया जाए। फिर सोचिया कि दुनिया की कहेगी, पहलां इह चमारां दे जांदा सीगा, मैं तो उदों ही मसां बच के आया है, हुण कहणगे धोबियां दे जांदा है। आखिर रात का टाइम उसने विचारिया, जद उह गया अगे लड़की नूं कदर सी कि मैनू जो राज मिलिया है इस दे कुड़ते दे विच ही मिलिया है। तो उठ के जब नमस्कार करन लगी, वो राजा बोलदा है कि बेटी मैं राजा बन के तेरे बूहे ते नहीं आया गा, मैं तो एक भिखारी बन के आया है। वो कहिंदी देख, मैं राजा समझ के तेनू खड़ी नहीं हुई, जो राज जो हकीकत सी वो तेरे कुड़ते दे अंदर ही सी। जद राजे पीपे नूं इह पता लग्या कि मैं इतना घाटा पा लिया है, ओहो अज मैं इहदे थां नाम दे विच रंगिया हुंदा, वह सारी लोक लाज अंदरों चली गई। रविदास दे कोले भज्जिया जांदा है कि महाराज जी मैनूं माफ़ कर दिओ, हुण तुसीं दिओ। तो कहण लगे देख बई वह वक्त सी मौज दा, हुण तैनू कमाई करनी पएगी। लेकिन फिर भी उसने और उसकी राणी सीता ने बड़े प्यार नाल तशली नाल राज नूं छड के नाम शब्द की कमाई की, परम गति नूं प्राप्त होया। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच उन्हां दा भी एक शब्द आउंदा है कि उन्होंने किस तरह नाम शब्द की कमाई की। इस वास्ते संत महात्मा कोई कौम या मजहब खड़ा करने वास्ते नहीं आउंदे गे, वह तो सानू दसदे है आपो अपने रीति रिवाज करो, आपो अपने कौम और मजहब के अंदर तुसी रहो, ये तुहानू मुबारक होण। वो साड़ी शिरके तो नज़र नू हटा के गिरी दे उत्ते लाउंदे है। बाहरला जितना भी रीति रिवाज है ये एक असी शिरके दे नाल प्यार पाई बैठे हैं। जिस तरह कोई लस्सी दे नाल प्यार करे, जिहड़ा समझदार आदमी होवे वह विचों दुध कढ लै उस दे विचों घी कढ लैंदा है। इस तरह महात्मा सानू दसदे है घी कौन है, उस शब्द नाम की कमाई है। गुरु साहब दसते हैं संतो मक्खण खाया शाश पी संसार, संत आके शब्द नाम की कमाई करते हैं, मक्खण नूं निकालते हैं, लेकिन साडा प्यार शाश दे नाल है। बाबा सावन सिंह कहिंदे हुंदे तुसीं पानी दे अंदर जितनी मर्जी मदानी पा के उसनूं रिड़क लो, उहदे विचों मक्खण कदी भी नहीं आउंदा गा सवाए झग तों।
दुध के अंदर मधाणी पावांगे तद ही सानू घी प्राप्त होएगा, मक्खन प्राप्त होएगा। इस तरह महात्मा सानू प्यार दे नाल दसदे है जिस परमात्मा का सानू शौक है मिलन का, वह परमात्मा सानू बाहर किसी उच्चे या नीवे थां चो नहीं मिलता गा। धर्म स्थान उहदियां यादां बणाईआं हन। महात्मा ने सानू समझाया सीगा कि एक क्यों तुसी इत्थे आउणा, कादे वास्ते आउणा है। उत्थे कोई चुगली या किसी की निंदिया या नफरत फैलाउण वास्ते महात्मा ने नहीं कहा सीगा कि तुसी उत्थे बैठ के एक दूसरे नूं गाली निकालो या बुरा भला कहो। जिन्ने भी धर्म स्थान है सब दा मकसद यही है कि उत्थे बैठ के तुसी परमात्मा की भगती करो, परमात्मा के मतलब तुसी सोचो समझो, घर का कारोबार छड के आने हैं उसनू तुसी समझो कि उत्थे जिहड़ा रहिंदा है वह की बोलता है, कादे वास्ते बोलता है। लेकिन अजकल असी की करते हैं, उस संदेश नू भुल जाने हैं। गुरु नानक कहिंदे है प्यार दे नाल जागो जागो सुत्यो उठिया चलम उठिया चलिया उठ बनजारा। कह लगे तुसी जागो। ये बनजारा जिहड़ा बणज करन वास्ते नाम दा आया सीगा, ये जुहारीए की तरह सब कुछ हार के इत्थे चलिया गया है। क्योंकि जिस शरीर के अंदर बैठ के असी मान करते हैं कि साडे वर्गा कौन है, सानू पता है। फरीद साहब ने कहा सीगा, तुसी आपकी जिंदगी च देखते हो कि कन्न साडे नाल आए, ये सतु पहला जवाब दे जाते हैं। अखां साथ आउंदियां हन, ये भी मौत तो पहले जवाब दे जांदियां हन। दंद आउंदे है, ये भी आके जवाब दे जांदे है। पैर साथ ही आउंदे है, ये भी जवाब दे जांदे है। फरीद साहब कहिंदे है, दंदा कन्ना लोयणा तिन्ना दित्ती हार, देख फरीदा लद गए ते मुढ़ कदीम दे यार। जिहड़े साडे यार सन दोस्त सन, ये सारे अंग शरीर दे जब ये साथ नहीं दिंदे, की तुसी ये समझदे हो कि जिन्ना असी धन दौलत अज इकट्ठा करन लगे पए हैं या बाल बच्चों का मान करते हैं, कोई है इन्हां दे विचों सानू छड़ा देवे या साडे कोई साथ जाएगा। गुरु साहिब प्यार नाल कहिंदे, चले जुहारी दोए हथ चाड़। जिस तरह शाम नूं जुहारिया सब कुछ जो धन पदार्थ हुंदा है हार के हथ चाड़ के घर नूं चलिया जांदा है, यही कहानी साडी है। सो महात्मा सानू प्यार दे नाल दसदे है। स्वामी जी महाराज इस शब्द दे विच, सोता मन कस जागे भाई सो अपौ मैं करूं वखान। कहन लगे मैं तुहानू इस शब्द दे अंदर, जिस तरह मन साडा अज सुता पिया है असी सब कहांगे नहीं जी असी तां जागदे हाँ, नहीं संत दसदे आ तुसी सुते हो, जन्मा जन्मांतरां दे सुते हो। इस वास्ते गुरु नानक कहिंदे जे जागदे हो तो तुसी आपदे घर दी सोझी ना करो कि साडा घर किहड़ा है। तुसी इस नासवान घरां दे अंदर जिथे किसी ने रहण नहीं देना तुसी दिन रात लड़दे फिरदे हो, झगड़दे फिरदे हो। आप कहिंदे आ जो घर छड गवावना सो लगा मन माहे, जिहनूं छड जाणा है और उहदे नाल प्यार पाया है। जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता ना है। अगली असी कोई चिंता नहीं करते कि असी सुते नहीं। इस वास्ते गुरु साहिब सानू प्यार नाल समझाउंदे आ, असी मन नूं जगाउण वास्ते अनेक प्रकार के साधन करते हैं जिहड़े कि मैं अपनी जिंदगी च वध तो वध कीते है। तो की उपाउ असी करते हैं, जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पुन दान करते हैं। ये सारा लिटरेचर जो कुछ भी असी करते हैं कर्मकांड सारा मन नूं जगाउण दा उपाउ करते हैं। लेकिन मन सब कुछ करके फिर धूड़ा पा दिंदा उत्थे, फिर सुआ दिंदा है। क्योंकि जब असी दान पुन करते हैं या कोई भी अच्छे तो अच्छा कर्म करते हैं फिर उहदी नमैश दुनिया दे विच करते हैं। गुरु नानक कहिंदे दे दे मंगे सहसा गुणा शुभ करे संसार। एक रुपया दिने आ सौ की आस ला देने, फिर ये भी सोचते हैं संसार साड़ी शोभा भी करे कि इसने बड़ा कुछ किया दान। लेकिन कदे असी अपने दान कन्नी भी नहीं सोचा भी कि यह साडा दसा नहां की किरत है। बुले ने कहा असी आरन दियां चोरियां सूई कर दे दान, कोठे चढ़ के देख दे आउंदा कदों बबान। वो दान कन्नी भी सोचना पैंदा है। गुरु नानक जी महाराज कहिंदे है कि नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे, उही अगे मिलेगा जिहड़ा असी दसां नौहां दी किरत दे नाल किसे दी मदद कर दईए।
महाराज सावण सिंह कहते होंगे सी किस तरह है, सब तो पहला असं आपकी घर की लोड़ पूरी करनी है, ये एक दान है। फिर आपके गवांढ देखना है, कोई साढ़े गवांढ भुखा तो नहीं बैठा, कि साड़ी उन्हें जरूरत है नहीं, इस पासे साड़ी किसी की तवज्जो नहीं होंगी गी, बच्चों के गल च कमीज नहीं होंगे गा, बाहर असं अरदासा वड्डिया वड्डिया कराने हैं कि फलाने ने इतना कुछ दान किया है। माड़ा जहा सोच के देख लो कि बच्चे माड़े है, मैं किसी की निंदा नहीं करता गा, प्यार ना दसना कि साड़ा मन सुता होया नहीं। इस वास्ते संत महात्मा प्यार दे नाल सानू समझाउंदे है, फिर आपां घर बार छड़ दिंदे हैं, लहर आउंदी है, औरत छड़ दित्ती, बच्चे छड़ दित्ते, त्यागी बन गए, दूसरी लहर आई फिर घर विच आके वड़ गए। पहलां दे नालों भी असीं दुनिया नालों भैड़े बन जांदे हैं, बुरे बन जाने हैं, लोग सानू मखौल भी करते हैं, करते भी करते हैं कि कई का दिन तू त्यागी बनया सी, हुण की हो गया है, की है कि मन साडा मुश्किलियां करता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा ए मन मशकरा कहूँ ता माने रोस, जे पेंडे साहब मिले ताही ना चले कोस। जिधर मालिक मिलता सी उधर जाते नहीं गे, धूनियां तपाने हैं, क्यों तो पाने हैं कि साड़ा सुत्ता मन जागते, जल धारा करते हैं कि सुत्ता मन जागते, लेकिन ये हंकार आ जाता है। तीर्थां ते जाने हैं कि सुत्ता मन जागते, लेकिन हंकार आ जाता है कि मैं इतना कुछ किया है, मेरे वर्गा कौन है। महाराज सावण कहते होंगे सीगे, किया कराया सब गया जब आया हंकार। वो कहते जिमें कोई अच्छा पला बना के तो सोह का धूड़ा दे लेंदा है, ये हालत है साड़ी। तो साड़ा मन पहला नालों वध हंकार दे विच आके सौ जाता है। तो स्वामी जी महाराज शब्द दे विच दसदे है कि वो किहड़े उपाओ असी लोग करते हैं और संत सानू की उपाओ दसदे है मन नू जगाउण दा। अगर जे मन साड़ा जागया हुंदा, असी इस दुखी दुनिया च अज हाजरी ना लवाए बैठे होंगे, सानू पता ही है इत्थे किहड़ा आदमी है कि जिहड़ा सानू ये लगे भी ये सौखा है। एवें एक दूजे का ओला हुंदा है। कबीर साहब कहिंदे है कि मैं उहदे और अस्त की बात कहना है, सब का विवेक बुद्धि दे नाल मैं खोज कीती है, परख्या है। विवेक बुद्धि उस नूं कहिंदे है जिहड़ी सच और झूठ का निर्णा कर सके और निर्मल विचार पैदा होन, अच्छे विचार पैदा होन। इस वास्ते आप कहने लगे, सब दा लिया विवेका हो, मैं सारे नूं अच्छी तरह देखिया है, कोई तन करके दुखी है, कोई मन करके दुखी है, कोई औलाद दे हथों दुखी होया बैठा है, कोई ना औलाद होण करियो तड़फ रहा दिन रात, ना इत्थे त्यागी सुखी है, ना इत्थे गृहस्थी सुखी है। जब गुरु नानक कहते संसार रोगी नाम दारू मैल लगे सच बिना, यार जब असी रोगों के ही आ गए हैं, संसार रोग दे विच ही असी आके पैदा होए हैं, इत्थे कोई कौन सुख भालेगा, किनू सुख है। इस वास्ते आप कहते नाम दारू, इन्हां रोगों तो छुटकारा पाने वास्ते नाम ही दवाई है। जिहड़े कि साडे जन्मा जन्मात्रा के अच्छे कर्म होण तभी असी नाम की तरफ आ सकते हैं, नहीं तो असं नाम की तरफ सोच भी नहीं सकते जी। आदमी भाग दूजा बचन पंद्रवा शब्द उन्नीवा सार बचन पन्ना 125। सोता मन कस जागे कहते हैं, मैं तीर्थ किते, वर्त रखे,
विद्या अच्छी पढ़ी, बड़े चैतन हो गए। बहस मासे नाल लोगों ने जितना शुरू किया कि साढ़े वर्गा कौन पढ़िया लिखा है, लेकिन संत सानू दसते हैं कि परमार्थ के रस्ते दे उत्ते सानू पांच साल दे बच्चे की तरह बनना पैंदा है। बेशक कितने भी क्यों ना पढ़े लिखी हुई है, क्योंकि जिद्दे असी स्कूल के अंदर गए सी असी कुछ भी नहीं जानते सीगे। जो उस्ताद ने सानू कहा उन्हां दा कहा मन के सानू सब कुछ जानकारी मिलती। इस तरह परमार्थ दे विच भी असी अणजाण हुंदे आ, सानू पता नहीं गा। जो कुछ मुर्शिद सानू दसदा है उहदे मतलक असी अभ्यास करांगे, असी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने हैं। इस वास्ते आप प्यार दे नाल दसदे आ कि सारा कुछ मैं कीता, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 68 तीर्थ है, होर भी तीर्थां दा अजकल दे जमाने च तां कोई अंत ही नहीं गा। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे आ, कोट तीर्थ मज्जन इशनाना इस कलमे मैल भरीजै। एक दो तीर्थ तां किसे पासे रह गए, कहण लगे तुसीं करोड़ां भी ना लो, तो सारे जितने भी हन कहण लगे तुहाडे बदन दी मैल ला सकदे आ, आत्मा की मैल कोई नहीं ला सकता गा। साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजै। अगर तुसी आत्मा की मैल लाउणी है, तुसी किसे महात्मा नूं मिलो, वो थानू अंदर सच्चे तीर्थ दे विच पहुंचण दा साधन और तरीका दसेगा कि वो तीर्थ कित्थे है, क्योंकि साडी आत्मा दे उत्ते अस्थूल पड़दा है। सानू इत्थे असूल दुनिया की जानकारी है, असूल बेशक पानी है, कुछ भी है, वह साडे बदन की मैल ही ला सकता है। इस दे अंदर कारण है, उसके अंदर इसके अंदर सूक्ष्म है और उसके अंदर कारण है। जब तिन्ने पड़दे ला के आत्मा दसवें द्वार विच पहुँचती है, उसनू गुरु सह सच्चा अमृतसर कहिंदे है, कबीर साहब उसे नू प्रागराज कहिंदे है। बाहर जिस तरह गंगा जमुना नदी तिन्ने मिलदियां हन इकट्ठियां, रिखियां मुनियां ने अभ्यास किया अंदर देखिया, वो कहिंदे थोड़े अंदर भी यह सारा कुछ है जिदे विच तुसी मुक्ति होना है। तीन नदी त्रिकुटी माहे, तुसी इस पिंड नू छड़ के ब्रह्मांड ते चढ़ के देखो तो सही, थोड़े अंदर परमात्मा ने सब कुछ रख्या होया है। तो गुरु नानक साहब कहिंदे है कि उस अमृतसर दे विच तुसी जाओ, थोड़ी मैल लह जाएगी, जन्मा जन्मात्रा की सुती हुई आत्मा जाग पाएगी। उत्थे पहुंच के सानू पता लगता है कि आत्मा ना अमरीकना दी हो रहा है, ना हिंदुस्तानिया दी हो रहा है, ना मुसलमाना च कोई आत्मा हो रहा है, ना हिंदुआ च कोई हो रहा है। जो कुछ भेद भाव है वो थले थले ही है। महात्मा ने इसे वास्ते हर एक दे नाल प्यार किया, उन्हां दी नज़र विच औरत और मर्द का भिन्न भेद नहीं हुंदा गा। उन्हां नूं पता है कि आत्मा निर्दोष है, वरियाई मन विच है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है कि ए शरीर सरवर है संतो, इशनान करे लिव लाए, सच्चा सरोवर तुहाडा शरीर है, इहदे अंदर तुसी इशनान करो जाके। नाम इशनान करे से जां निर्मल शब्दे मैल गवाए, तुसी उस शब्द दे अंदर नाम दे अंदर इशनान करो। थोड़ी आत्मा दी मैल शब्द नाम दी कमाई ही ला सकती है। सो इत्थे आके असी भुल जाने हैं, बाहर असी जाने हैं, जब संत सानू आके ये कहिंदे है, कबीर साहब कहिंदे है, जल का मज्जन जेगत पावै, नित नित मेंढक नावै, जैसे मेंढक तैसे ही वो नर फिर जोनी आवै। उदो असी कहने जी महात्मा निंदा करदे है, खंडन करदे है। नहीं, महात्मा निंदा नहीं किसी की करते, खंडन नहीं करते गे, बल्कि निंदा तो सू हटाते हैं। लेकिन सानू ये लगता है कि ये निंदा करते हैं, एक कादी निंदिया है। गुरु साहब दा जपजी साहब रोज पढ़ते हैं, वो कहिंदे है भरिया हाथ पैर तन दे, पानी धोत्या उतर सखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे सबून लिया वो धोए, भरिया मत पापा कै संग, वो धोपै नावा कै रंग। हुण कौन इन्नी मेहनत करे, अस्थूल सूक्ष्म कारण तिन्ने पढ़दे ला के सदगति नूं प्राप्त होवे। बस जिसम ते पानी पाया
कई लैणा ना मन दे विच वी साडी मुक्ति हो गई है, साडे पाप लै गए है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ऐसा नहीं हुंदा गा, जितने भी असी पाप है वह सारे मन दे कहे काम दे क्रोध दे लोह मोह हंकार दे लग के असी आखे करदे हैं। पाप करे पंचां के वसरे, तीर्थ नाए कहे सब उतरे, मन चो कह दिता उतर गए है। बोहर कमावा होए न संत, जम पर बाद खड़े कलंक। कोई आदमी कतल करता है वो उस वक्त ये सोचता कोई पुलिस नहीं, कोई मैथों हिसाब किताब पूछण वाला नहीं, वो बिल्कुल आजाद उच्ची बोल के कहिंदा है कोई है। लेकिन कुछ मिनटां बाद अंदर ख्याल पैदा हो जाता है कि भी तेनू पकड़न वाले आ जाएंगे। तुसी देख लो वो जितना भी उदा मान सी, जितना हंकार सी, एक मिनट भी दी वो ले जाता है, अपनी जान दी बन जाती है। यही हालत साड़ी है। असी कहने हैं कि पाप साढ़े उतर गए, लेकिन महात्मा कहते उतरे नहीं, तुसी चढ़ ही बैठे हैं। पानी ना कोई पाप नहीं थोड़ा उतरदा गा, और आके फिर करते हैं। जंपण बाद खड़े कलंक, वो जमदे दूत उदों ही पता लगता है जो गल दे विच आके रस्सी पा लेंगे है, पकड़ ले जाते हैं जी। तीर्थ करे भारत पिया के, विद्या पढ़ के हुए सुजान, जप तप संयम भोगविद तारे, के जप तप संयम वर्त वगैरह सब कुछ ही रखिया, आखिर मोनी भी बन गए कि शायद मोन धारण दे नाल परमात्मा सानू मिल जाएगा। मैनू मेरी जिंदगी दे अंदर कई मोनियां नू मिलने का मौका मिलिया है। जब उन्हां दे अगे जाके नमस्कार कीती, सेवा पूछी, इतना ही फर्क पिया कि मूँह ना नहीं मंगया, लिख के मंग लिया। महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सी चाहे तुसी लिख के मंग लो किसी तो, चाहे जवान ना मंग लो, बीमारी तो उही है। गुरु नानक कहिंदे आ मोनी होए बैठा अदूती, हिरदे कल्पन गाठा। जद हिरदा ही साडा दुनिया दी शकलां पदार्थां वास्ते तड़फ रहा है, चुप कीत्या की हो सकदा है। महात्मा सानू कहिंदे आ अगर चुप करना परमात्मा मिलदा होवे, पशु जिहड़े है इह चुप ही रहिंदे है, इस वास्ते उन्हां नूं मिल जाना चाहीदा है। इसे तरह महात्मा सानू प्यार दे नाल दसदे है खाणा जिहड़ा है उह संजम दे विच खाणा है। वर्त आम तौर दे उत्ते मैं जिंदगी दे विच इक रखिया सीगा, जो कुछ मैनू वर्त दी विधि दे विच दस्या गया सीगा कि दिने दिने खाणा नहीं खाणा गा, दिने खाणा नहीं खाणा, या तां तारिआं दी छावें पहलां खा लिओ या बाद में खा लिओ, दिने तुसीं दुध पी सकदे हो। बड़ा अच्छा वर्त दस्या, मैं सोचा कि इहदा की मुश्किल है। तारे चढ़न तो पहला चंगा खाना बनाया भी अज वर्त रखना है। पहला तो जे थोड़ा बहुत खुशकी खांदे सै उहदे चूरी कुट के खादी भी वर्त है। पहला मैं आपदी सारी जिंदगी दे विच मैं कदे दिने दुध नहीं पीता गा, जिहड़े मेरे सेवादार है उन्होंने पता ही है। लेकिन वर्त वेले दिने दो तीन वारी पीता, ਵੀ ਵਰਤ ਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇਗੇ ਉਹ। इस वास्ते आप कहते ये सारे कर्म असी कीते है, लेकिन मन सुता जागया नहीं बल्कि होर सौ गया जी। जप तप संयम भोगविद तारे, मोनी हुए निदान, आस पाओ हम बहुतक कीने, कई
किस्म के उपाओ असी किते, लेकिन यह मन ना जागया बल्कि होर सौं गया। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे है, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भुयंगम साधे, पंच जना सो संग न छुटके, अदक अह बुद्ध बाधे, प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार प्रया स्वामी के द्वारे, दीजा बुद्ध बबेका, मोन रहो कर पाती रहो, नग्न फिरो तर माही, तट तीर्थ सब धरती भरम्यो, दुबदा छुटका नाही। कह लगे सी मोनी भी बने, बड़े पाठ पूजा भी कीते, और कर पाती हाथ ते लेना और अगले कर हो जाना, किसे बर्तन च खाना ना खाना, इनू कहिंदे कर पाती हाथ ते लेना, खा के तुर जाना। कह लगे सी कांसी विच जाके करवट भी लिया, लेकिन यह मन वस विच ना आया। हर महात्मा का आपकी जिंदगी का तजर्बा हुंदा है, महात्मा सुनिया सुनाइया गल्लां नहीं दसदे गे, उन्होंने जिंदगी दे अंदर ऐसे बड़े तजर्बे किए हुंदे है। सो इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहिंदे होर भी कई किस्म दे सी उपाओ किए है जी। आस उपाओ हमें बहुत कठिने, सतगुरु महाराज जी कहिंदे हुंदे सीगे, भुखे नूं रोटी, प्यासे नूं पानी, कुदरत दा असूल है, जरूर दिंदी है। ये महाराज कृपाल दा वाक सीगा। सावण सतगुरु सदा ही कहिंदे सन, अगर तुहाडा जन्म दी खोज विच लग जावे, वो लेखे विच है, लेकिन नाम लैके फिर जिहड़ी खोज करनी है, वो अपने आप नाल जुर्म करना हुंदा है। पहला जिथे मर्जी है तुसीं खोजो पालो। इस वास्ते महात्मा सानू बड़े प्यार दे नाल दसदे है कि जदों असी खोजे तड़प उठी दिल दे विच, वो परमात्मा बेइंसाफ नहीं हुंदा गा, उहदे घरे इंसाफ है, उहनूं पता है कि मेरे वास्ते कौन तड़फदा है। जद टाइम आउंदा है, चाहे वह महात्मा पास सदे या वह खुद उत्थे चल के आवे, ये उसकी जिम्मेवारी हुंदी है, परमात्मा ने सौंपी हुंदी है कि किस आत्मा नूं किस टाइम जाके जगाउणा है। इस वास्ते आप कहण लगे, जब खोजदे खोजदिआं नूं सतगुरु मिले, उन्होंने जुगत दसी, वो की है अगे दसदे आ। खोजत खोजत सतगुर पाए, संग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। केड़ी चीज है साडे करन दी? सतगुरु मिल गया, नाम मिल गया, कहिंदे सत्संग करो। अगर कोई सच्चे तो सच्चा तीर्थ है, वो सत्संग है। लेकिन इत्थे आके भी असी भुल जाने हैं कि महात्मा ने अज तक सत्संग किसनू कहा है, क्योंकि असी लोकां दे इकट्ठ नूं सत्संग कहने हैं, लेकिन महात्मा सानू कहिंदे है जिथे एक मजहब दूसरे नूं गालियां निकाले, बुरा भला कहे, उहनूं सत्संग नहीं कहिंदे गे। गुरु नानक कहिंदे है, सत्संगत कैसी जाणीआं जिथे इक्को नाम वखाणीआं, इको नाम हुक्म है सतगुरु दे बजाए जियो। महात्मा दे सत्संग दे अंदर नाम दी महिमा, नाम दा ही प्रचार हुंदा है। इस वास्ते आप कहिंदे नाम मिल गया, तन मन कुर्बान कर दियो, कि सच्चे दिलों ईमानदारी नाल शब्द नाम दी कमाई करो जी। सत्संग करो संत को सेवो, चेतल गा
कहते हैं नाम मिल गया फिर सुस्ती ना करो, आलस ना करो, फिर जाके अभ्यास करो। अपनी आत्मा नू सिमरन दे जरिए जो संत सतगुरु सानू दिंदे है, ये सिमरन सुनया सुनाया नहीं हुंदा गा, किसी ग्रंथ पोथी दे विचो उन्होंने पढ़ के सानू नहीं दस्या हुंदा गा, ये उन्हां दी खुद दी कमाई हुंदी है जिदे पिछे उन्हां दा तप त्याग और चार्जिंग कम करदी हुंदी है। अगर आपां मैले दा ध्यान करांगे तो साडे मन मैला होएगा, मैले आदमी का ध्यान तरन के नाल जिद्दियां बुराइयां है मैला साडे अंदर आनिया शुरू हो जाएगियां। जे असी चंगे का किसी का ध्यान करांगे जो उहदे अंदर चंगियाइयां हन उह साडे अंदर आ जाएगियां। इस वास्ते आप कहिंदे है कि तुसी शब्द नाम की कमाई करो, जो सिमरन तुहानूं सतगुरु दिंदे है उहदा सिमरन करो। सिमरन करन दे नाल की होएगा, साडा फैलिया ख्याल दुनिया दे विचों अकागर होके इत्थे तीसरे तिल दे उत्ते आएगा, जिसनूं गुरु नानक ने कहा जे को पावै तिलका मान। ये साडे घर दा सफर दा असली बूहा हुंदा है, साडा रूहानी सफर इत्थों ही शुरू हुंदा है। इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे है कि फिर जो उपरों आवाज आ रही है उसनूं प्यार नाल, गगन केड़ा है इत्थों थोड़ा जिहा उठ के पिछे नूं उपर तुसीं चलो, ये गगन आ गया है। दूसरे मंडल दे सिखर ते पहुंचना उसनूं भी गगन कहिंदे है, त्रिकुटी नूं। सो आप प्यार दे नाल दसदे है कि उत्थे शब्द की आवाज आ रही है, गुरु नानक ने उसनूं सच्ची बाणी किया है, रब्बी बाणी किया है, तुरकी बाणी किया है। उसे नूं कहा पूरे गुरु की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी तो आप खाणी। वो महात्मा दिन रात उस बाणी नूं सुन रहे हैं और उस बाणी नाल आवाज नाल ही सानू जोड़दे है। गुरु नानक ने कई लफ्जा नाल उसनूं याद किया है, अकथ कथा, हरी कीर्तन, राम नाम, वेदा के अंदर भी उसनूं राम नाम दिवधुनी आकाशवाणी करके बयान किया है। मुसलमान फकीर उसनूं उच्चे तो उच्चा राग करके बयान करते हैं, कलमा बांगे समानी करके बयान करते हैं। सो हर एक महात्मा ने आपो अपनी बोली विच उस ताकत का जिक्र किया है जिस दे आधार ते साडे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं और साडा शरीर उस ताकत के जरिए ही चल रहा है। महात्मा कोई नवी चीज दसण वास्ते नहीं आउंदे गे, हर महात्मा सानू इसे शब्द नाम दे नाल जोड़न वास्ते आउंदा है। सो आप प्यार दे नाल कहिंदे है कि फिर सुस्ती ना करो, नाम मिल गया है, रोज रोज वो शब्द तुहानू सुनो जी। सतगुर शब्द सुनो गगन पहला परमात्मा की तरफ लाना मुश्किल सीगा, इस मन नूं फिर हटाना मुश्किल हो जाता है। जिवें जिवें असीं उपर चढ़ाई करांगे उवें उवें साडा दुनिया दे विच्चों, दुनिया दे रसां कसां दे विच्चों स्वाद साडा जिहड़ा है वह हटेगा, कम होएगा और आखिर शब्द नाल साडी आत्मा जुड़ जाती है। जब ये रस आवै तब वह ना रहावै। गुरु नानक कहिंदे है रस एक ही लै सकदे हैं, चाहे नाम दा लईए चाहे दुनिया दा रस लईए। इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे है कि जदों असीं शब्द नाम दी कमाई करदे हैं, जिवें जिवें असीं अंदर जाने हैं तरक्की करदे हैं उवें उवें ही उस शब्द की आवाज़ मिठी और सुरीली हुंदी जांदी है, आखरों मन नूं खिच लैंदी है, मोह लैंदी है। जिस तरह हुण जे असीं सिमरन करदे हैं सानूं पता ही है कि असीं उन्ना सिमरन नहीं करदे जिन्नी कि सानूं जरूरत सीगी। जिस तरह लोहा है चमक पत्थर तो मैगनेट तो दूर पिया है वो उसनु खिच नहीं सकता गा, या लोहे नू जंग लग्या होया है। अगर आप प्यार ना रेग मार्चे दे नाल उस भी जंग ला लिए तो उसे नू मैगनेट खिच लेंदा है।
यही हिसाब है साडा मन जन्म जन्मात्रा का मेला है, बड़ी पापा की मैल लगी हुई है, सिमरनी इस दी मैल उतार सकता है, सिमरन झाड़ू का कम करता है, जिस तरह मकान दे विच झाड़ू की जरूरत है सफाई करन दी, इस तरह सिमरन जिहड़ा है वो करना बड़ा जरूरी है। इस वास्ते आप कहते जो साड़ी आत्मा नौ द्वारा चो निकल के अखां दे पिछे आउंदी है, जिते कोई शब्द आ रहा है वो इसनों फौरन अपने नाल खिच के ला लेगा। और स्कूल तक जाना, महाराज सावण कहिंदे हुंदे सीगे बच्चे का धर्म हुंदा है, बच्चे की ड्यूटी है, लेकिन थले नौ द्वारा दे विच वो ताकत संत सतगुरु नहीं आउंदे गे। बच्चे का जाना, सिख का जाना इत्थे पहला फर्ज हुंदा है जी। जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जान, मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने प्यार ना कहिंदे आ। जिहड़ा मन सानू विशे बकारां शराबां कबाबां दे विच फसाउंदा सीगा, उही मन मदद करन लग जांदा है, दोस्त बन जांदा है, पहला दुश्मनी करदा सीगा, दोने अपने महल विच जाके समा जांदे है। मन ब्रह्म दी अंश है, त्रिपुटी दे रहण वाला है, इह ब्रह्म दे विच समा जांदा है, आत्मा इस दे पंजे तों आजाद हो के सचखंड दे विच जाके समा जांदी है जी। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान, बिना शब्द ये मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अने। स्वामी जी महाराज कहिंदे आ बगैर शब्द नाम की कमाई तो मन कदे भी जाग नहीं सकता, भावे होर भी जिन्ने आप कहिंदे असीं दसदे आ तुहानू, इहदों वध भी तुसीं कोई उपाउ कर लो मन नहीं जागेगा। रामचंद्र जी महाराज नूं उहनां दे गुरु विशिष्ट जी कहिण लगे भी देख रामचंद्र, अगर कोई आके ये जानकारी देवे कि एक आदमी इन्ना तकड़ा पैदा होया है, जिसने कई मील लंबा उच्चा हिमालिया उठा लिया है, बेशक मनण च नहीं आउंदा गा, पर फिर भी सोचते हैं कि कुदरत दी शक्ति लैके कोई आदमी आया होवे, शायद उठा लिया होवे, फिर कहन लगे अगर कोई ये कहे कि वे फलाने आदमी ने समुद्र की घुट भर ली है, पी गया है, बेशक मनण च नहीं आउंदी, पर फिर भी असीं एक मिनट वास्ते मनते हैं कि भई उस आदमी ने शायद कुदरत दी उसने शक्ति इतनी सी कि वह पी गया है। लेकिन जे कोई ये कहे कि मैं मन नूं वस कर लिया है, वह कहन लगे असी मनण वास्ते तैयार नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अज तक किसी ने मन वस नहीं किया गा नहीं, जिस तरीके ना संता महात्मा ने वस किया वह अपनिया लेखनिया के अंदर लिख गए है, वो सानू दस दे सब तो पहला असी मन की आदत नूं देखना है कि मन जिहड़ा है ये की चीज चाहुंदा है, किस चीज का यह आशिक है। सानू सब नूं पता है कि मन लज्जत का आशिक है, सोबत का इससे बड़ी जल्दी असर हुंदा है, भैड़ियां की सोबत बैठते हैं भैड़ियां आदतों की करन की आदत पै जाती है, अच्छियां की सोबत करते हैं साढ़े अंदर चंगियाइयां आनियां शुरू हो जाए हैं। तो महात्मा सानू बुरी सोबत तो बचण का उपदेश करते हैं, चंगी संगत दे विच जाण दा उपदेश करते हैं। इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहिंदे आ कोट जतन से ये नहीं माने, तुसी करोड़ां जतन होर भी कर लो, तुन सुन कर मन समझाई, तुसी इस नूं अंदरला राग सुना दिओ, ये हिरन की तरह जो मन भटक रहा है ये तुहाड़ा वस विच आ जाएगा। अगर रिखियां मुनियां पीरां पैगंबरां ने वस विच कीता तो इसे दुआ दे नाल ही कीता। इस वास्ते आ प्यार दे नाल सानूं दसदे आ जिस तरह पैगंबर लकमान आपके लड़के ने समझाउण लग्या, क्योंकि वह एक बुरे लड़के की सोबत विच जांदा हुंदा सीगा, कहण लग्या देख वी बेटा वह लड़का बड़ा खराब है, तू उहदी सोबत विच ना जाया कर। लड़का कहण लग्या पिता जी तुहानू पता नहीं गा मैं उस
तो कोई कम सियाणा नहीं, मैं उस तो ज्यादा सियाणा है, वह मैनू किस तरह गुमराह कर सकता है। हुण पकंबर साहब बड़े सियाने आदमी सन, उन्होंने पता सी कि लड़के ते मैं कोई अगर बात थोपी तो यह होर विद्रोह करेगा। उन्होंने अपनी सियाण सुना एक कोला दे दिता जिहड़ा कि अग नहीं सी, कहिंदा देख बेटा ये अग इस नूं नहीं लगी हुई, तू ये कोले नूं हथ विच लै ला, लेकिन ये ख्याल जरूर रखना कि हथ काला ना हो जाए। लड़का खुद ही बोल पिया, कहन लगा पिता जी जब मैं कोला हथ विच लूंगा एक काला हथ हुण किस तरह बचेगा, ये तो जरूर काला होएगा। वो कहन लगा बेटा जब तू रोज बुरी संगत दे विच जाना है तू ये किवें आस रख सकदा है भी मैं उसका असर नहीं होण देऊंगा। इस वास्ते संत महात्मा सानू प्यार नाल दसदे है कि बुरी संगत ना जाओ, अच्छी च जाओ, अच्छी संगत जाने हैं साडे अंदर नाम जपण दा शौक बिरे तड़ पैदा हुंदी है। इसे तरह लज्जत दा आशक साडा मन हुंदा है। महात्मा कहिंदे है कि जे असी किसे कौड़ियां मंगण वाले तो कौड़ियां भी आपां खोवांगे वह मरन मारन ते तैयार हो जाएगा, अगर वो हाथ में डालर या कोई पाउंड दे देंगे वो हाथ अपने आप ही ढिला हो जाएगा, कहने की जरूरत ही नहीं। इस तरह जब असी आपके मन में उच्ची और सुची लज्जत नाम दी देवांगे अपने आप ही दुनिया के रस छड़ जाता है। जी बिना शब्द ये मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान, यही उपाओ छांट कर गाया और उपाओ नाम कर परमान। तुसे सारे गुरु ग्रंथ साहिब नु पढ़ के देख लो, 1430 पन्ना है, उहदे अंदर नाम की महिमा, सतगुरां की महिमा, सतसंग की महिमा है। इस तरह स्वामी जी महाराज कहिंदे है कि बगैर शब्द नाम की कमाई तो संत महात्मा होर कोई प्रमाण देने वास्ते भी तैयार नहीं गे कि तुसी इस मन तो छुटकारा पा लोगे या अपने घर सचखंड दे तुसी पहुँच जाओगे। हर एक महात्मा ने नाम की महिमा गाई है, शब्द की महिमा गाई है। जी यही उपाओ छांट कर गाया और पाओ नाम कर परमान, बिरथा बैस बितावी अपनी लगे न कभी। महाराज कहते हैं बाहरले रीति रिवाज के अंदर उम्र का बर्बाद करना है, बिरथा असी उस गुआ रहे हैं, अज ती असी टिकाने ना लगे। पिछले जमाने के अंदर तो लंबी उम्र सन, हर्ज करो जे किसी ने सतयुग के अंदर 10,000 साल अगर कोई बाहरला रीति रिवाज कर लिया फिर भी 90,000 साल तो वो कोले सन। इस तरह द्वापर त्रेते के अंदर सी। कलयुग दे विच तां सानूं पता ही है कि बड़ियां छोटियां उमरां है और सेहत इस उम्र विच वी साडी ठीक नहीं रहिंदीगी। ख्याल दुनिया दे विच बहुत सारा फैल चुकिया है, पिछले जवानां दे अंदर थोड़े जे हिम्मत करन दे नाल साडियां धरतियां चंगे दाने दे दिंदियां सन और इसे तरह थोड़े जे पाओ नाल साडा मन परमात्मा दी भगती दी तरफ लग जांदा सीगा। लेकिन अज तुसी देखी जाने हो कि किस तरह भुए दे विचों दाने लेने मुश्किल हो पे है, किनियां किनियां कैमिकल चीज़ां आपां पाउने हैं। इस वास्ते महात्मा सानू दसदे है कि साडा मन भी दुनिया च फैल चुकिया है, बहुत ज़्यादा फैल चुकिया है, थोड़ा नहीं गा। अज भगती दे अंदर ये थोड़े कीत्यां लगन वास्ते तैयार ही नहीं गा। सच्चाई तो यह है कि असी मालक दे प्यारियां दी सोबत दे विच भी बैठ के खुश नहीं हुंदे गे। असी सोचते हैं कि ये वक्त जिहड़ा है ये बेकार ही है, शायद वेले लोगों वास्ते है, लेकिन नहीं, महात्मा सानू प्यार नाल दसदे है ये परमात्मा अगर साढ़े ते दया करे तद ही असी इस सोबत और संगत दे विच आउंदे हैं। तुलसी साहब कहिंदे है तुलसी पिछले पाप से हर कथा ना सहाए,
चाहे चला चाहे सोए चाहे दिए बात चलाए। कहिंदे पिछले पापां करके आत्मा पापां दे थले दबी होण करके कहण लगे सानू मालक दी चर्चा मालक दीआं गल्लां अच्छियां नहीं लगदियां, या उत्थे आके सो जावांगे या उदास हो जावांगे क्योंकि साडा उत्थे रिजक नहीं हुंदा गा। इस वास्ते आप कहिंदे या उत्थे उठ के चले जावांगे, लेकिन जे सानू प्यार है तड़फ है, तुसीं देख लो तारा राणी नूं प्यार सीगा, ओह रात नूं जाके सत्संग करदी सी, एक प्यार ही सीगा। हालांकि उहदे पति नूं सब ये कहिंदे सीगे क्योंकि वह वक्त ऐसा सीगा कि राणियां पर्दे विच रहिंदियां सन, बाहर नहीं आ सकदियां सन। जद वह पर्दे विच रहिंदियां सी लोकां ने निंदा करनी चुगली करनी कि तेरी राणी संगत दे विच जांदी है। राजे नूं पता तां सी कि मेरी राणी बड़ी अच्छी है, फिर भी लोक लाज तुसीं जाणदे हो जैसी हुंदी है, वह चले गए, वह पिछों गई। राजा जिहड़ा सी उह पिछों गया, राणी अगे संगत दे अंदर ध्यान लाया है, बैठी है, सत्संग सुन रही है। राजा जाके बैठी नूं देख के भी मैं बुलावां तां ना, उहदी खड़ाम चुक लिया आ, घरे आके पै गया। जद राणी उठी देखिया खड़ाम, बेनती कीती, खड़ाम उहो जी होर बन गई, पा के आ गई। राजा कहण लग्या तूं कहिंदी हुंदी सी मैं संगत दे विच नहीं जांदी, तू राती कित्थे सी? वह कहिंदी मैं तुहाडे पास ही सैं। वह कहण लग्या फिर दूसरी खुड़ाम कित्थे है जी मेरे पास सी तां? वह कहिंदी मेरियां तां मेरे पैर विच है, आ देख लै। जद राजे ने देखिया जोड़ी जुड़ी खुड़ाम पुराणी, जद देखिया जोड़ी वह पुराणी वर्गी सीगी, कहण लग्या ये तां कोई चोज है मालिक दा। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार नाल दसदे आ जिन्हां नूं संगत दा रस आ गया। बाबा सावन सिंह दी एक सेवका सी, काफ़ी गरीब घर दे अंदर सी, घास खोद के अपना गुजारा करदी हुंदी सीगी, हरिजनां दे घर विच पैदा होई सीगी और सुरत बड़ी उच्ची हुंदी सीगी। जद उहने घास दी पंड बना लैणी उस वक्त उहने अभ्यास ते बैठ जाणा और घरदिआं दा टाइम दित्ता होया सीगा वी जे इस टाइम ते आ गई तां ठीक है, जे कदे अभ्यास ते बैठी असीं आ गए तां तैनूं उत्थे कुटांगे। लेकिन रस रस ही हुंदा है, जिन्हां नूं रस आ गया गुरु नानक कहिंदे आ उह छड नहीं सकदे गे, बड़े बड़िआं ने इहनूं छड ना सके। गुरु नानक कहिंदे अमली जीए अमल खाए त्यों हर जन जीए नाम ते आए, अमली दी जान टुटदी है उह अमल छड नहीं सकदा गा। यही कहानी नाम जपण वाले दी है। और वो लड़की ने बड़ा जल्दी घास की पंड बनाउणी, फिर उत्थे खाल वगैरह दे विच अपना अभ्यास ते बैठ जाना। कदे कदे सुरत अंदर लग जांदी, टाइम ज़्यादा भी लग जाना। एक दिन वो उन्हां नूं मिलण वास्ते आई, हथ विच खुरपा सी, तंगड़ सी, और महाराज सावन दे जो फुलका बीबियां तैयार करदियां सन वो उन्हूं अगे ना जाण देण कि तेरे कपड़े ठीक नहीं गे, बदबू आउंदी है, नाती धोती नहीं। लेकिन वो मालक सब दे दिलां दीआं जाणदा है, वो देख रहे सीगे, वो कहण लगे कोई नहीं आ जाओ, मैनूं इहदे विचों बदबू नहीं आउंदी। जद अंदर उन्होंने पुछया बुला के क्यों बेटी किवें है तेरा भजन दस किवें है, तो कहण लगी जी की दसां भजन ठीक चलता है पर घर वाले मार बहुत मारते हैं, मैं इस तरह घास खोदी हैं, कदे कदे बैठ के खेत च अभ्यास करन तो सुरत लग जाती है उद तकड़ी कुट पैंदी है। वो हस के और खाना बनाने वालियां नूं कहण लगे क्यों बई देखो इस तां महक है नाम दी, इस च बदबू कित्थों है? उन्हूं कहण लगे बेटी ये तेरे कर्म कटी दे है, अगर तेरे उत्ते इतना वो ला ना लाउण ते तेरे अंदर प्यार ही ना जागदा, तू सुस्त हो जांदी। हुण तैनूं पता है कि मैं दुनियादारी भी लवाउणी है, जिहड़ा देना लैणा वह भी पूरा करना है, और अंदर नाम शब्द दा रस भी लैणा है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे आ बाकी जो भी असीं करदे हैं कहिंदे उमर बर्बाद करन है। गुरु नानक कहिंदे लेखे में सोई घड़ी बाकी दे दिन बाद, बाकी दे दिन जिहड़े है वह साढ़े एवें चले जाते हैं, लेखे च वह घड़ी है
जां साडी सुर शब्द नाल लग जांदी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे एक चित जो एक छिन ध्यावै काल फास के विच नहीं आवै। एक छिन भी अगर कोई आदमी नौ द्वारे खाली करके उस शब्द की आवाज नूं सुणदा है कहण लगे वह भी काल दे दायरे चो निकल जांदा है। जी ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਬਣੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਆਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਗੈਰ ਸੰਤ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਦੀ ਕਦਰ ਜੌਹਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਐਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਲਾਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਖਿਰ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਨਾਮ ਜੌਹਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਜਦ ਉਹ ਸਾਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖੁੱਸੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਖਾਸ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਹੀਂ, ਲਾਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਿਜਾਵਾਂ। ਫੇਰ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਜਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਲਸ ਨਾਮ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਦੀ ਕਦਰ ਜੌਹਰੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਦਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਸਭ ਪਟਕੀ ਡੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਾਉਂ, ਤੂੰ ਪੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨੌ ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਾਉਂ, ਤੂੰ ਪੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਂ, ਕਰ ਪਾਵੇ 84 ਝੂਟੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि ये छोटी जी खानी है, जिस बंदे की रोज कचहरी के अंदर हाजिरी है उसकी की इज्जत है। जब मौत आती है चलो धर्मराज दे, जब फिर जन्म होया मौत आई फिर चलो धर्मराज दे, जिथे जन्म लेने हैं असी सदा टिक नहीं सकते गे, इस वास्ते जमण मरण के विच असी लगे हुए हैं। कहिंदे शब्द नाम की कमाई का की फायदा होएगा, इन्हां दुखां तो छुटकारा हो जाएगा, तेरा घर जो शांति का देश है सचखंड मिल जाएगा जी। कर पावे चौरासी छूटे जन्म मरण की होवे हान, राधा स्वामी कहे बुराई बिना संत सब पटके। स्वामी जी महाराज ने सानू इस छोटे जी शब्द के अंदर गुरु मत नू बड़े प्यार नाल संत मत नू समझाया है, किस तरह साडे दुनियादारां दे मन सुते हुए है, किस तरह शब्द नाम की कमाई नाल ही जाग सकते हैं। दुनिया के जितने भी अज साधन है, जप है, तप है, तीर्थ है, कहन लगे सी सारे कीते है, लेकिन इन्हां नाल मन जागदा नहीं गा। जद खोजते खोजते असी फिरे, कहन लगे सानू संत सतगुरां दा मिलाप होया, उन्होंने शब्द नाम का भेद दिता। जद रोज़ रोज़ असी अभ्यास किया, साडा ख्याल दुनिया दे दी तरफों निकल के उपर शब्द दे नाल जुड़िया, शब्द की कमाई कहन लगे करना की होया कि साडा घर जो जमण मरण दा सीगा वो छुट गया और आखिर असी मालिक दे दरबार विच पहुंच गए हैं। हुण आप प्यार ना कहिंदे है कि बगैर जिन्ना चिर संत सतगुरु नहीं मिलते, बगैर संतां तो साडी भटकना नहीं मुकदेगी, असी कामयाब नहीं हुंदे गे, और जीव हैरान और परेशान होए बैठे है, करिए तां की करिए, ना करिए तां की ना करिए। इस वास्ते सानू भी चाहिदा है, क्योंकि संत महात्मा ना तां साडी समाज ही बदलाउंदे है, ना कोई सानू बोला ही नवा पकड़ाउंदे है। वो कहिंदे है तुसी आपो अपने समाज विच रहो, आपो अपने बोले बोलो, ये थोड़े थानू मुबारक होण। ना महात्मा कोई साढ़े खास किस्म के कपड़े पवाउंदे है, महात्मा का अज तक जितने भी सचखंड तो आए है सब का इको ही उपदेश रहा है, सब का यही उपदेश रहा है कि नाम तो बगैर मुक्ति नहीं, संत सतगुरु तो बगैर नाम नहीं मिलता गा, सत्संग तो बगैर सानू सोझी नहीं आती, साड़ी समझ नहीं आती गी। इस वास्ते सानू भी चाहिए है कि महात्मा भी जो कुछ स्वामी जी महाराज ने सानू समझाया है और इस ते अमल करिए, अपने जीवन नू सफल बनाइए। कर पावे चौरासी झूठे जन्म मरण की होवे हान, राधा स्वामी कहे बुराई बिना संत सब पटके।